हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं MSB MotoVlogs। तो अभी मैं हूँ शीतलाखेत में अपने होटल के रूम में और थोड़ी हमारी ये तैयारी वगैरह चल रही है, पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ से निकलते हैं। आज हम जाने वाले हैं मचखाली रानीखेत होते हुए हल्द्वानी को, और उसमें बीच में अगर बिनसर जाने का भी हो सकता है। और ये मेरा रूम है और यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको बाहर का नज़ारा। तो ये है यहाँ का नज़ारा। और ये पूरी हमारे रूम के बाहर से बालकनी है। फर्स्ट क्लास हम कल रात यहाँ पे भी बाहर से बैठे हुए थे। ये है पूरी बालकनी और सामने का नज़ारा। तो बस थोड़ी सी यहाँ पे अभी फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, बाकी इसके बाद हम निकलते हैं। तो ये चले हम शीतलाखेत से मचखाली होते हुए रानीखेत की तरफ को, वहाँ से जाएंगे हम बिनसर महादेव, उसके बाद निकलेंगे हल्द्वानी को। कल हम यहाँ से आए थे तो शीतलाखेत भी काफ़ी अच्छी जगह थी, हम एक नाइट के लिए ही आए थे यहाँ पे। बहुत सामने हैं हिमालय, ये सही है, एक रास्ते से आओ एक रास्ते से जाओ, दोनों जगह का पता चल जाता है व्यू कैसे हैं। रानीखेत है यहाँ से 28 किलोमीटर, कटपुड़िया है 3 किलोमीटर। कटपुड़िया पे हम चाय और कुछ खाना वाना करेंगे, भूख लगी है बहुत तेज। तो लगभग लगभग शीतलाखेत से रानीखेत अल्मोड़ा दोनों बराबर ही पड़ता है, बीच में हुआ लगभग दोनों के। कटपुड़िया, यहाँ पे खाएंगे हम खाना, दाल चावल रोटी सब्जी सभी है यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ खाना ही खा लेता हूँ। तो यार हो गया अपना यहाँ पे खाना। पहले एक ऑमलेट लिया, उसके बाद दाल चावल लिया और अब बढ़ रहे हैं आगे को। सही है, 130 रुपये में हमारा यहाँ का खाना हो गया। ये देखो सामने से साइकिलिस्ट जा रहे हैं, इनकी साइकिल है छोटे टायरों वाली, इन्होंने सीट बहुत ज़्यादा उठा रखी है। बढ़िया है बढ़िया है। मचखाली रह गया है यहाँ से 3 किलोमीटर। तो यार ये पहुँच गए हम रानीखेत गोल्फ ग्राउंड, अब थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पर, आराम करते हैं मज़े करते हैं, फिर चलेंगे आगे को। तो यार ये आए हैं हम रानीखेत गोल्फ ग्राउंड, थोड़ी देर यहाँ मज़े करते हैं फिर बढ़ेंगे आगे को। Thank you.
तो ये चल रहे हैं हम गोल्फ ग्राउंड से रानीखेत को, वहाँ से बिनसर महादेव निकलेंगे, फिर निकल लेंगे हल्द्वानी को। यहाँ पे चल रही है चेकिंग पुलिस की सिंगल हेलमेट वालों के लिए। तो 15 किलोमीटर दिखा रहा है बिनसर महादेव यहाँ से रानीखेत से। तो बिनसर महादेव के लिए हम रानीखेत से जो रामनगर को रोड कट जाती है उसमें आ गए हैं। यहीं से पड़ेगा बिनसर महादेव। बढ़ रहे हैं आगे को सैन्य क्षेत्र, कृपया धीरे चलें। 3 किलोमीटर रह गया यहाँ से बिनसर महादेव। सामने जंगल बढ़िया सा। तो यह है बिनसर महादेव मंदिर। यहां उतार लेते हैं। तो यहां पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है यार, बंद कर देते हैं। तो यार मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैंने अंदर नहीं लिया, वरना अगर कोई मंदिर देखने का शौकीन है तो अंदर है। अच्छा है काफ़ी मंदिर। चल रहे हैं बस अब हम यहाँ से। ये बड़ा सा गेट है मंदिर का, बिल्कुल शांति में पीसफुल जगह है। तो ये चले हम बिनसर महादेव से, ये रहा सामने मंदिर। तो ये हम रानीखेत से नीचे को आ गए हैं और टाइम हो रहा लगभग 3:30 के आसपास, और आगे कहीं हम रुकेंगे थोड़ा चाय के लिए। आलस सा आ रहा है बहुत, गाड़ी चलाने में थोड़ा नींद सी फील हो रही है, तो आगे कहीं एक बढ़िया सी चाय पीते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे को। तो अभी एक हमने फिर से चाय पी, मैगी खाई और बढ़ रहे हैं अब आगे को। खैरना है यहाँ से 20 किलोमीटर, उसके बाद तो बस गोली गोली पहुँच ही जाएंगे। अब तो रोड पूरी सही है, अब बढ़िया करके पहुँच जाएंगे। तो यार फाइनली पहुंच गए हम काठगोदाम। टाइम हो रहा है अभी 6:15, तो मोटा मोटा 6:30 तक पहुंच गए घर समझो। 10 मिनट लगेंगे यहाँ से घर पहुंचने में। तो यार फाइनली पहुंच गए घर। ऑल
राइड तो इतना ही था आज के वीडियो में. बाकी पिछले वीडियो में बताना भूल गया था कि मेरी बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है. सबसे पहले तो मेरी बाइक का जो ये फ्रंट फुटरेस्ट है, इसके पीछे की प्लेट टूट गई थी जिसके वजह से इसका फुटरेस्ट लटक गया था. तो मेरी राइडिंग पोजीशन भी बड़ी अजीब सी हो रही थी, मतलब मेरा एक साइड का पाँव लटका हुआ था नीचे को. तो और इसी के साथ मेरा ये पीछे बाइक के पीछे वाले जो शॉकर्स हैं, इसका डलहौजी वाले ट्रिप के टाइम से ही क्या हो रहा था, ये कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे. मतलब जैसे गड्ढों मड्ढों में जब ज़ोर से झटका लग रहा था तो उस समय ये जैसे दब रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे दो लोहे के टुकड़े आपस में टकरा रहे हों. तो डलहौजी वाले ट्रिप से वापस आने के बाद, इससे पहले कि मैं सर्विस करवाता, उससे पहले ही हमारा शीतलाखेत का प्रोग्राम बन गया. तो शीतलाखेत हम ऐसे ही गए, उसके बाद वापस आए, फिर मैंने सर्विस के लिए दी. तो उसमें पता चला कि शॉकर्स का ब्रेकडाउन ही हो गया है. तो फिर उसके बाद मेरी ये फुटरेस्ट वाली प्लेट बदली, प्लस शॉकर्स भी पूरे चेंज हुए हैं. शॉकर्स पड़े थे लगभग 2660 के, और ये फुटरेस्ट वाली प्लेट पड़ी थी लगभग 600 रुपये की. तो बस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कुछ कहना या पूछना हो तो कमेंट कर लेना. जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, जाके कुछ पुराने वीडियोस देख लो, अच्छे लगेंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा लेना. इसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन, गुड बाय.